तो आज मैं आपके माइंड में पढ़ाई की खिचड़ी पकाने आया हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाई करने की एक ऐसी टिप के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी और जिसे कहते हैं स्टडी मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कैसे पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो। आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो, जो मन किया वो सब्जेक्ट उठा लिया और उसे पढ़ने लग गए, या फिर आप जो भी होमवर्क मिलता है उसे पढ़ने लग जाते हो, उस पर ही फोकस करते हो। और अगर आपके पास टाइम की कमी है, टाइम मैनेजमेंट करते हो, तो आपको क्या करना है, आपको एक लव लेटर लिखना है और ये लव लेटर आपकी जितनी है उतनी लिखना है। अबे क्या पागल तो नहीं हो गया तू? तो ये लेटर्स आपको लिखने हैं आपके सब्जेक्ट को, और ये सब्जेक्ट जितने होंगे उतने ही आपके लेटर्स होंगे। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं मैथ्स को। अगर आपको मैथ्स को लेटर लिखना है तो आप क्या लिखोगे? आपको लिखना है, आपको अगर पढ़ना है अगले दिन ट्रिग्नोमेंट्री, तो आपको क्या लिखना है, लेसन का नाम लिखना है, लिख देना है ट्रिग्नोमेंट्री, और टाइम लिख देना है, और आपको लिख देना है एक्सरसाइज कौन सी पढ़नी है। अगर आपको 1.1 पढ़नी है, ये सब कुछ लिख दिया, लेसन का नाम, टाइम एंड जो भी एक्सरसाइज हो गए, जो भी आपको टॉपिक कंप्लीट करना है वो टॉपिक आपको लिख देना है। तो ये लेटर आपको रख देना है उसी सब्जेक्ट की बुक में जिस सब्जेक्ट को आपने लिखा है लेटर। और हाँ, इस लेटर में आप जो भी टारगेट लिखोगे वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो आप जब भी पढ़ाई करने बैठोगे तब आपको ये देखना है कि इस टाइम पे मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और उस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के अंदर में मुझे क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करना है। उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ही आप उठोगे। आपकी लाइफ में लर्निंग रहे, खुशियाँ रहे और हमेशा सक्सेस रहे, इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे भी और वीडियो बनाता रहूँगा, आपके सफ़र में हम सफ़र बना रहूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपका दोस्त बन पाऊँ, आपकी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझसे दोस्ती कर लो। तो पढ़ते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, हमेशा सीखते रहो। गुड बाय, आई लव यू ऑल।